गोवर्धन में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित प्रधानों का सम्मान किया, वहीं प्रधानों ने व्यापारियों का आभार व्यक्त किया। हाल ही में प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद प्रधानों का शपथ ग्रहण भी हो गया, उसके बाद नवनिर्वाचित प्रधानों के स्वागत सत्कार का दौर जारी है। इसी क्रम में गोवर्धन मंडी समिति व्यापार मंडल के द्वारा सभी नवनिर्वाचित प्रधानों का स्वागत किया गया। आज इस स्वागत के दौर में गोवर्धन नगर पंचायत अध्यक्ष पंडित खेमचंद शर्मा का स्वागत मुन्ना प्रधान व पूरन प्रधान ने किया, वहीं जुगल प्रधान नीमगांव, महेंद्र प्रधान जानू, धनीराम प्रधान डिरावली, मदन प्रधान मलसराय, रवि प्रधान गाठौली, मंडोरा मुखराई सकरवा आदि ग्राम प्रधानों का स्वागत मंडी समिति महामंत्री महेश चौधरी, मदन पंडित, नंदो चौधरी, बांके बिहारी खंडेलवाल आदि ने किया। वहीं बात करते हुए जुगल प्रधान मदन प्रधान ने सभी व्यापारियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर हरिदास पंडित, गिरधारी ठाकुर, रोहित सिंगल, हरिचंद्र चौधरी, सुरेश गौड़, वंशी ठाकुर, कंचन चौधरी, तारा सेठ आदि व्यापारी मौजूद रहे। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। प्रधानी, मंडी समिति के द्वारा आपका आज यहाँ सम्मान किया गया, क्या मंडी वालों के लिए कहेंगे और क्या गांव वासियों के लिए कहेंगे? मंडी वाले ने स्वागत करो, इनके धन्यवाद है, बढ़िया बात है, स्वागत करो हम लोगों को, और जितनी बन सकेगी हम पे, छोटी सी पंचायत है हमारी, तो काम काज नहीं कर सके हम, मंडी को कुछ करना सके, पर हम तो धन्यवाद ही दे सके मंडी वाले में, और काम तो पहले भी किया है हमने बिना प्रधानी के, और काम करेंगे, इसीलिए काम ने चुने 8 प्रत्याशी में तो एक चुने हैं और बढ़िया वोट हमने जिताए हैं, बस्ती के लिए काम करेंगे पूरा। यही आज मंडी समिति में आपका स्वागत किया गया, आप नवनिर्वाचित प्रधान हो, क्या कुछ कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पहले तो मंडी समिति की पूरी टीम के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनका, कि हम ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं, लगभग हमारे गोवर्धन ब्लॉक के 70% प्रधान यहाँ आए हुए हैं, 40 प्रधान हैं जिनमें से 25-30 प्रधान यहाँ पे हैं, और मंडी समिति के द्वारा हमें स्वागत समारोह हमारा किया गया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। गाँव के विकास को लेकर क्या कुछ कहेंगे? गाँव के विकास की बात करें, फिलहाल तो कोरोना महामारी जो चल रही है, हमको ग्राम स्वच्छ और ग्रामवासियों में कोई संक्रमण ना फैले, स्वस्थ रहना है, गांव वाले स्वस्थ रहने, स्वयं स्वस्थ रहना है। विकास की बात करें तो जो रोजगार है, मनरेगा के जरिए रोजगार दिया जा रहा है, लगभग हमारी, मेरी अपनी पंचायत की बात करूँ तो 400 से 450 आदमी मनरेगा के द्वारा रोजगार ले रहे हैं। दूसरा विकास, हमारे यहाँ रोड वोडों की तो व्यवस्था ठीक है, बाकी पोखर तालाब है उनकी स्थिति खराब थी, उनको देखेंगे, पशुओं की व्यवस्था, पशु चिकित्सालय नहीं है, पशु चिकित्सालय की व्यवस्था करेंगे, बाकी स्कूल जो शिक्षा शिक्षा की बात करें, शिक्षा की हमारे यहाँ स्थिति ये है, 8 तक वो है, इसको हम इंटरमीडिएट तक कराएंगे, जिससे गरीब तबके का जो लोग हैं उसके लिए शिक्षा अच्छी तरीका से मिल पाए। चलो सर, जैसा कि आज यहाँ पे मंडी में नव निर्वाचन प्रधानों का स्वागत किया गया, आप भी इसमें सम्मिलित हुए, क्या कुछ कहेंगे प्रधानों के बारे में, शुभकामना संदेश अपना? या अभी अभी गत माह जो हमारे पंचायत चुनाव हुए, उन्होंने गोवर्धन विकास खंड के नव निर्वाचित प्रधान मंडी समिति के मंडी को बुलाया गया, उन सभी का सम्मान किया गया, सर प्रधान को मैं नव निर्वाचित प्रधानों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और आशा करता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने इनको चुनकर भेजा है, जनता की अपेक्षाओं पर ये खरा उतरेंगे, पूरे मनोयोग से जनता की सेवा करेंगे, आपसी सभी मतभेदों को बुलाकर जनता की सेवा करेंगे, समय समय पर जनता की जैसी भी आवश्यकता हुई, जैसे वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, इसका सफलतापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए कोरोना को हटाएंगे, शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करेंगे, हमारी सरकार की जो भी योजनाएं उनका लाभ प्रत्येक जाति जनता को दिलाएंगे, कहना है चुनाव पूर्व जो भी मतभेद उनके आपस में रहे उन सबको बुलाकर एकजुटता के साथ जनता की सेवा करें, विकास कार्य में सबका सहयोग लें और पूर्ण रूप से जनता की सेवा करें।